इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बहराइच से। बहराइच में किराना की दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा। जी हाँ, 25 किलो का सिक्का, 65,000 रुपए व 5 बंडल सिगरेट बरामद। वही 3 सातेर चोर चढ़े दरगाह पुलिस के हत्थे। एक नाबालिग भी गिरफ्तार हुआ। वही थाना दरगाह क्षेत्र के पलरी बगिया में हुई थी कुछ दिन पहले किराना की दुकान में चोरी और आज हुआ उसका खुलासा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे आपको जनपद बहराइच से। बहराइच में किराना की दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा। जी हाँ, 25 किलो सिक्का व 65,000 रुपए, 5 बंडल सिगरेट बरामद हुआ। वही 3 साथी चोर चढ़े दरगाह पुलिस हत्थे। एक नाबालिग भी गिरफ्तार हुआ। वही पूरा मामला है थाना दरगाह क्षेत्र के पलरी बगिया में हुई थी कुछ दिन पहले किराना की दुकान में चोरी और आज हुआ खुलासा। यह देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। लेकिन बिल नहीं इसने आज चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसमें पलहरी बाग में एक किराने की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें 80,000 रुपये, 25 किलो सिक्के और 5 बंडल सिगरेट का और साथ ही साथ कुछ बिल उसमें चोरी किया गया था ताला तोड़ करके। दरगाह पुलिस ने आज उसको उसका अनावरण किया है, जिसमें 3 व्यक्ति अशफाक, सुहेल और तज्जू नाम के और उसके साथ एक बाल अपचारी है, ये चारों ने मिलकर के ये चोरी की थी, जिसमें से 80,000 रुपये में से 65,000 रुपये की बरामदगी हुई है और 25 किलो जो सिक्का था वो भी रिकवर हुआ है। साथ ही साथ उसका जो 5 बंडल सिगरेट गया था वो भी रिकवर हुआ है। कुल मिला करके घटना का करीब करीब 100% जो बरामदगी की गई है और इसके लिए दरगाह पुलिस को कितने गिरफ्तार पुरस्कार भी दिया जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और एक बाल अपचारी है। क्या पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, इनकी चोरी की पहले की शिकायतें थी और घटना में ये प्रकाश में आए हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कौन सा मुकदमा लगाया गया हो, कहाँ जो है? मुकदमा चोरी का है और चोरी के बरामदगी के सारा इनके ऊपर लगाया।